सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 10th क्लास में सॉलिड ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26। किसी दिए हुए गोले के सामने दृश्य में बिंदु P दिया है, उसकी दिशा ऊपरी दृश्य में ज्ञात करो। गोले का व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक XY रेखा लेनी है। ये आपकी XY लाइन है और इसके हमने लगभग सेंटर में, यहाँ से हमने आपका IDS है, ये आपका है, तो यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर पर तार खोलनी है। 4 सेंटीमीटर का व्यास है तो हम प्रकार 2 सेंटीमीटर यहाँ से खोलेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर नाप के इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ से लगभग 2 सेंटीमीटर इस तरह से, तो हम यहाँ पे एक सर्कल लगा देंगे 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के से। तो ये हमारा जो व्यास आ जाएगा, ये हमारा फिर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, पूरा व्यास हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा इस तरह से। और इसमें ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे ये हमारा है वृत्त O, इस जो गोले में है ये कह रहा है कि इसमें कोई बिंदु दिया हुआ है P, ये P पॉइंट इसमें दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इसका प्रोजेक्शन हमने सामने वाले में लेना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी XY रेखा है इसी के समानांतर हमने O से जो है वो रेखा लेनी है, बराबर बिल्कुल इस तरह से। यहां से हम डॉटेड लाइन लगाएंगे इस तरह से वैसे, और इतनी समानांतर रेखा हमने लगानी है P से। ये आपका P पॉइंट है, इसी के समानांतर हमने यहां से P से रेखा लगानी है इस तरह से। और इनके हम नाम दे देते हैं, ये जो हमारी रेखा आ रही है ये हमारी है A और B, ये जो रेखा आ रही है ये हमारी है C और D रेखा। इस तरह से ही हमने सामने दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन लेने हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे ही आते हैं, तो सबसे पहले हमने इसके प्रोजेक्शन लेने एक्स वाई तक यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हम एक्स वाई तक इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं, ये बी का प्रोजेक्शन है। इसी तरह से हमने यहाँ से डी का प्रोजेक्शन लेना है, और इधर हम जो है वो इससे हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे इधर को, ये आपका ए का प्रोजेक्शन है इस तरह से, और ये हम लेंगे सी का प्रोजेक्शन यहां से इस तरह से, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हमने पहले हम सेंटर जो हमारा है ये ओ है, इसका प्रोजेक्शन हम लंबा ले लेंगे नीचे तक, जिसमें कि हमने दूसरा वृत्त बनाना है, उस वृत्त में हमने इस पी पॉइंट को दर्शाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ से इस तरह से लगभग आप इतना हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं यहाँ पे ओ पॉइंट, ये हम ओ पॉइंट लेते हैं, ये यति के साथ हमारा ओ पॉइंट आएगा। और यहाँ पे भी हमने 2 सेंटीमीटर, जैसे ये हमारा था 2 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के हमने यहाँ पे सर्कल लगाना है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे प्रोजेक्शन है ये सारे प्रोजेक्शन हमने लेने हैं नीचे, निचले वाले वृत्त पे। तो इसमें हमने जो है
एक्स वाई जो आपकी रेखा है इसके समानांतर हमने यहाँ पे इसमें सेंटर में रेखा लगानी है, डॉटेड लाइन। ये हमारी रेखा आ गई है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारा सीधा ही प्रोजेक्शन आ जाएगा, ये आपका ए यति के साथ है और ये हमारा है बी यति के साथ है। इसको तो हम सीधा ही ऐसे ही मिला लेंगे यहाँ पे डॉटेड इस तरह से, ए को भी हम मिला देंगे और बी को भी हम इसी तरह सीधा मिला देंगे। इस तरह से अब हमने लेना है डी का प्रोजेक्शन यहाँ से, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने सीधी यहाँ पे प्रकार फुट्टा हमने रखना है। यहाँ हमारा डी आ रहा है, इस तरह से ये हम यहाँ पे नाम दे देंगे इसका डी, ये हमारा यति के साथ है। इसी तरह से हमने सी का प्रोजेक्शन लेना है यहाँ से डॉटेड, ये आप देख सकते हैं ये हमारा सी का प्रोजेक्शन आएगा यति के साथ, हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल लगाना है, देख सकते हैं जितना हमारे पास ओ से सी है इतना ही हमारे पास ओ से डी है। यहाँ पे हम एक डॉटेड सर्कल लगा देंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें पी पॉइंट देना है। पी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये पी है यहाँ से हमने जैसे ये आपकी रेखा है ना, ये आपकी है सी रेखा है, तो यहाँ इसका नाम पड़ जाएगा नीचे ई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमने सी का जो प्रोजेक्शन हमारा है इसी के समानांतर हमने रेखा देनी है पी से, और पी का हमने यहाँ से इस तरह से डॉटेड लाइन हमने लगानी है यहाँ पे, इस तरह से इस पे हमने यहाँ प्रतीत कर दिया P, ये हमारा आ गया P यति के साथ। इस तरह से ये हमारा जो प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 26 है, ये हमारा बनके तैयार हो।